भाई शेट, ये किसने कर दिया भाई? क्या आप भी जानना चाहते हैं ये हमारे साथ क्या हुआ है? तो वेल गाइस, हमारी हुई थी मीटिंग, वर्ल्ड वार में हमारी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी मैंने, जिस मीटिंग में मैंने एसएमपी को लाइफ स्टील बना दिया और इस एसएमपी में कुछ रूल्स रखे, जिस रूल्स को हर प्लेयर को फॉलो करना था, जिनमें ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं। और मीटिंग के बाद मैं यहाँ से चले जाता हूँ और एक बेस बनाता हूँ ताकि हम सेफ रह सकें और अपना सारा काम कर सकें। और बेस बनाने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे एक्सपी फार्म, एक्सपी फार्म में मैं जाके रेड फार्म में बहुत ज्यादा एक्सपी और बहुत ही ज्यादा एमरल्ड जमा करता हूँ ताकि मैं और ज्यादा रिच और ज्यादा मेरे पास चीजें आ सकें। वेल एक्सपी फार्म में मैं सारी रेड्स करने के बाद और बहुत ज्यादा एक्सपी लेने के बाद मैं एक ऐसा क्लच करता हूँ जिस क्लच को करने से ड्रीम भी भाई डर गया है। और इसी के साथ हमारा क्लच यहाँ पे होया बंदा जमा नीच बली है। जितने भी सारे मुझे एमरल्ड मिलते हैं उन सबको ब्लॉक्स में जमा करता हूँ और यहाँ पे अपनी सारी सारे एमरल्ड्स को मैं लेके जाके विलेजर को देता हूँ और विलेजर्स मुझे इतनी ज्यादा बुक्स दे देता है। अभी तक तो एसएमपी में सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था, मेरा नेदर में थोड़ा सा काम था इसलिए मैं नेदर में काम कर रहा था। एसएमपी में सब कुछ सही जा रहा था लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज होती है जिसने मुझे हैरान कर दिया। ऑलराइट, अभी हम चलते हैं अपने सीक्रेट बेस में। ओके भैया, पता नहीं कहाँ से आ गया। वेल, अभी चलते हैं यहाँ पे मेरा सीक्रेट बेस। ये क्या हुआ भाई, मैं यहाँ पे अपने सीक्रेट बेस में था। ओके ओह, ये क्या हो गया भाई? शेट, ये किसने कर दिया भाई? किसी ने मुझे एसएमपी में पहली दफा बहुत बुरी तरह ट्रैप कर मार दिया था।